हेलो गाइस, वेलकम टू पीके गेमिंग। आज मैंने आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड, तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने GTA 5 का टेक्स्ट एनिमेशन प्रॉब्लम कैसे से फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत ही इजी है इसे फिक्स करना। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, ये प्रॉब्लम वैसे होता ही हुआ कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो GTA 5 को रन करने के कैपेबल नहीं होता है, और इसके अलावा गाइस आपका जो PC है वो लो एंड होता है, और इसके अलावा गाइस आप अगर मोड्स वगैरह भी इंस्टॉल करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सबसे सिंपल और इजी मेथड बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो गाइस, GTA 5 का ही टेक्स्ट एनिमेशन प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने GTA 5 को रन कर लेना है। रन करने के बाद आपने कंट्रोल स्केस से उसे स्केस करना है। जैसे आपका GTA 5 स्केस हो जाए, उसके बाद गाइस आप लोगों ने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ से आपने डिटेल्स में आ जाना है। डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को GTA 5.exe का आइकन देखने को मिल जाएगा, जो कि रनिंग में है। इसे राइट क्लिक करना है और सेट प्रायोरिटी में आना है, और गाइस यहां से आपने इसे हाई करना है और चेंज प्रायोरिटी कर देना है। तो गाइस, ये जब भी आप अपने GTA 5 को ऑन करेंगे आपने ये लाजमी करना है। तो उसके बाद गाइस यहां पे आपने इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहां से गाइस लैग एंड वर्ल्ड नॉट लोडिंग FPS पे एक विंडोज़ बैच फाइल है, तो आपने इसे सिंपल रन कर लेना है। तो रन करने के बाद कोई भी की आपने दबाना है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू होने के बाद गाइस आपने इसे क्लोज़ कर देना है, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली भी क्लोज़ हो जाता है। अगर नया हो तो आपने इसे Ctrl+C प्रेस करके क्लोज़ कर लेना है। तो अब स्टार्ट करना है आपने अपना GTA 5, और यहाँ से आपने अपने गेम को ओपन करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ से आपने अपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने ग्राफिक्स में आना है। ग्राफिक्स में आने के बाद आपने इस फुल स्क्रीन को विंडोइड पर करना है और इसे सेव करना है। और ना उसके बाद गाइस दोबारा आपने पहले तो अपने गेम को ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने आना है, और यहाँ से आपने दोबारा से सेटिंग्स में आना है, ग्राफिक्स में आना है, और विंडोइड को अगेन फुल स्क्रीन करके सेव कर लेना है। तो गाइस, इससे जो आपको GTA 5 का टेक्स्ट एनिमेशन प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सेव हो जाएगा, और आप अपने लो एंड PC में भी GTA 5 को इजीली रन कर पाएंगे। तो गाइस, ये था आज के एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। तो गाइस, इसके अलावा अगर आपके पास GTA 5 के दूसरे GTA गेम्स में कोई एरर आता है, कोई भी इशू आता है, या कोई मोडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस, बस यहीं पे एंड करते हैं आज के इस एपिसोड को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।